स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज आपको पता है कि क्या है, और आज हमारा जो है फंक्शन है, और दो ढाई बजे के बाद, मतलब तीन साढ़े तीन या चार बजे तक तो हमारे गांव में नेता जी आ जाएंगे। और क्योंकि सचिन ने जाना था, वो जब भी यहाँ पे कुछ त्यौहार होता है तो हमारे गांव में नेता जी को लेने वो ही जाते हैं। वो भी चक्के लाते हैं, तो दो तीन जाते बारी बारी से, पर दो तीन में एक सचिन भी है। तो अभी जो है फ़िलहाल मेरे पास ये है, अभी हमने खाना बनाना, जल्दी बनाना और किचन साफ़ करना है उसके बाद। और तो मैंने सोचा है जितने में हमारा किचन मतलब फ्री होगा उतने में, अभी तो खाना कोई खाएगा नहीं इतनी जल्दी, तो थोड़ी देर पहले मैं बाहर झाड़ू वगैरह मार देती हूँ फटाफट से, और बरामदे में इधर से बाहर से बाकी जगह पर मार के रखती हूँ। सिर्फ किचन ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा बनता है शाम को, जहाँ जूठनी डालनी पड़ती है, इसलिए अभी मैं सबसे पहले बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने चाय लगा रखी है, पहले हम चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। नीचे टाइलें वगैरह इतनी गंदी है, मैंने दो तीन दिन से साफ़ नहीं की कि फिर ही ऐसी हो जाएगी, और दो इतने दिन के बाद तो मैं उसको वाशूंगी, अभी जाके वो भी साफ़ कर दूँगी मैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा काम करते पे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो माश तो हमने छांट के रख दिए थे दाल के लिए मैंने और सासू मैंने रात को, बस इसमें राजमा डालनी है, और आटा भी हमने निकाल के रख दिया है, वो ऊपर रखा हुआ है में, क्योंकि आटा गूंद के ना इस बाल्टी में रखना है। तो ये बिल्कुल साफ बाल्टी है और आटे के लिए होती है स्पेशली ऐसे ही उसके लिए, और इसका यूज़ बाकी और कहीं नहीं किया जाता पानी नहाने धोने के लिए। और इसको ना अभी अच्छे से धोना, मैं कल भूल गई थी धोना, मेरे को भी सासू मान बोला ऐसी होती है इंच से चार कोने वाली। इसको और भी है बाल्टियाँ, बट मेन यही है हमारी बाल्टी। इधर मैंने नीचे से क्लीन कर लिया बिल्कुल साफ सुथरा, इधर तक, उधर बाहर तक, पहरे तक, इधर तक सारा साफ कर दिया मैंने। अभी अब ऊपर की बारी है। सासू में जो है मेरे वो आटा गूंद रहे हैं, और पहले तो सचित का था गूंदने का, बट अब उन्होंने बोला कि मैं ही गूंद लेती हूँ। और मैं ना आज अभी थकी हूँ सुबह से ही, क्योंकि सुबह से लेकर नीचे आज और दिन मैं रूटीन में मारती हूँ झाड़ू, थोड़ा सा इस जगह पे, थोड़ा सा बाकी। आज तो वैसे सुबह 7:30 से लेके इस वक्त टाइम क्या और होगा 9 बजने वाले हैं दोस्तों भी, अभी ना मैं इधर ही पहुँची हूँ। मेरे पास तीन कमरे और रहे हुए और बरामदा रहा है, और इतना अभी थोड़ा सा मैं कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ मैं, फिर करूँगी। और मैं यहाँ पे कचरा देखा नीचे, मैंने यहाँ से ला दिया निकाल के, और अभी इस कमरे में भी मैं गई नहीं हूँ, फिर इसमें एक बार पहले बरामदे का वहाँ आगे इकट्ठा कर लूँ कचरा, फिर इस कमरे में, उस पीछे वाले कमरे में, ये तीन फिर ये रहे हुए अभी वहाँ, तो आरफी सोई हुई है, यहाँ पर मेरी ससुर जी है और यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसे तो अभी मारेंगे पहले इसमें, मारती भाई इतना लंबा है इसमें, तो कमर वहाँ जाके पर सीधी करनी पड़ती है मेरे को, फिर तभी बैठी हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरा काम जो है फिनिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी, तो मतलब यही हुआ, मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया है और ये सब कुछ हो गया साफ़, और मैंने यहाँ पे किचन में साफ डाल करके रख दिया है। बनाते बनाते काम करते करते ना मेरे को याद ही नहीं रही मेरे फ़ोन में एक परसेंट आने वाली है बैटरी इस वक्त, और ना अब मैं चार्जिंग में लगा देती हूँ फ़ोन। अभी देवता जी आए नहीं है क्योंकि इधर नीचे फिर सुनाई देते हैं, तो क्योंकि यहीं निचली साइड ही दूसरे गाँव से आना है उन्होंने, तो पहले अभी अपना सा काम निपटा देते हैं हम, जितना हो सके खाना वाना बना के रख लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम ऐसे फ्री भी रहते हैं और गेस्ट भी आ जाते हैं उनके साथ चलते चलते, नहीं तो फिर दो दो गैस पे स्टीमर लगे, इंडक्शन पे तवा लगा हुआ है सेकने के लिए, मतलब ऐसे ही हो रहा है फिर, इसलिए बना के रखते हैं थोड़ी देर देर बाद गेस्ट भी आने। एक आ गए हैं हमारे पास अभी, तो वैसे भी मैं फ़ोन चार्ज करने को लगाती हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या क्या है। तो ये है वो रोटी जो अभी मंदिर जाएगी, ये बना दी है सासू ने इस तरह से सिड्डू बनाए हैं। ये जी मैंने सब्ज़ी बनाई है, चटनी मैंने बना दी है, ये सब्ज़ी है। अब इसमें अंडा पनीर है डालने को, और फिर इसमें दाल तड़कनी है पतीले में अंडा में, अब इसको चख भी नहीं सकते नमक नमक इसमें अभी, अभी तो बहुत सख्त है। तो अभी हम सारा खाना बना के फारिग हो गए, और मंदिर जब गए ना हम, मैं ना कुछ मतलब शूट ही नहीं कर पाई, और मैं कल कोशिश करूँगी जब सुबह देवता जी को ले जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि क्या कि मैं कर सकूँ, मतलब थोड़ा जितने में मैं गई ना उतने में देवता जी को ले गए थे, तब मैं या तो फिर दर्शन ही कर सकती थी या फिर मैं फ़ोन से ही वीडियो बना सकती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह दिखाऊंगी फिर जाते जाते। और अभी ऐसे तो कुछ खास ज़्यादा गेस्ट है नहीं, बट सुबह के टाइम आ जाते हैं वैसे भी, मैं खाने कौन कौन नहीं आता है बाकी फिर देखेंगे। और फिर यार हमारी तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, बाकी देखेंगे कल।
तो दोस्तों अभी ना मैं जाती हूँ, अभी भी आए हुए कोई बाहर बैठने, तो चलते अभी बाहर की ओर। बीजेपी नेताओं ने समान नागरिक संहिता को जरूरत बताया है। सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। पहले देश के अंदर दिशा में काम, तो अभी जो हमारे खाने के लिए पूजन के बाद पर इसे हमारे सर प्राच बोलते हैं इसको, वो लाते हैं। तो अभी सबको मिलता है ये गांव में, तभी हम खाना वगैरह खा सकते हैं। जैसे ही इसको अंदर डालते तो इसे दरवाजे से बर्तनों के ढक्कन खोल के डालना पड़ता है। तो ये सचित ने यहाँ से फेंक दिया था और सासू मैंने डब्बे के मतलब सारे बर्तन खोल दिए थे तो फेंक दिया। और अब इसके बाद जो है धूप बट्टी करते हैं ये और पूजा पाठ करते, जो रोटियाँ बनाई थी उसको अरे परे मतलब डालते फिर खाना स्टार्ट करते। दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो आज नेक्स्ट डे से करते हैं व्लॉग शुरू। और कल पता क्या हुआ मेरे साथ, हम मतलब सोने वाले थे, पहले तो ऐसा था कि कोई गेस्ट नहीं थे। अब मेरे पापा आने वाले थे भाई, तो वो तो तब नहीं आ पाए, उनके वहाँ पे डेथ हुई मतलब किसी के घाव में, तो उनका कैंसिल हो गया। तो फिर मेरे सासू माँ की तरफ से भी मतलब ऐसे नहीं आए, अब अपने ऐसे था सबके, तो फिर ऐसे आ जाते हैं दरगाहों के होते कोई आते हैं मंदिर दोस्तों तो आ जाते। तो फिर शाम के टाइम आए, मैंने सोचा कि चलो कोई आएगा नहीं अभी, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी अगर आसपास के गांव से लेडीज़ वगैरह आती है ना दर्शन वगैरह करने पूजन के टाइम पर, उसके बाद सुबह के टाइम पर भी होते हैं गेस्ट। तो फिर ऐसा था, फिर बाद में जो दत्ता जी के लिए बजाते हैं ना वो ढोल वगैरह, वो आए थे हमारे पास खाना वगैरह खाने, तो उन्होंने तो खाना हमारे घर पर ही खाया। और मैं ना साथ साथ में लोगों को निपटा रही हूँ, अभी दो तीन आए थे और अभी तक पूजा नहीं हुई भी है, बल्कि अभी एक हमारी जो बुआ है उनके बेटे यहीं पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अभी बोला था मैं खाना खाऊंगा उसके बाद चाय पीऊँगा। सुबह मतलब आए रहे, आधे अभी पड़ी है क्योंकि अभी हमारे मंदिर में पूजन भी नहीं हुई भी है, 11 बजे होती होगी शायद, तो 11 बजने वाले हैं। और फिलहाल मैं चाय दे देती हूँ ऊपर और फिर 1:30 बजे को ले जाएंगे, तब हम मंदिर के पास जाएंगे। अभी साथ साथ में मैंने लोगों को निपटाई ली क्योंकि मैंने खाना भी यहीं रखा हुआ है, सीट्स में सिड्डू है, दाल है और आगे ओवन में सब्जी है। जैसे कोई आता है थोड़ी देर बैठते मैं फिर देख के गर्म कर लेती हूँ फिर दे देती हूँ। और फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना फिर को मैं फ़ोन निकाल के दिखाऊँ कि देखो ऐसे ऐसे खाना खा रहे, तो लोग सोचेंगे कि ये कहीं ऐसा ना कई अलग ऐसा होता है माइंड होता है कि फिर ऐसे सोचते हैं कि ये वीडियो में कैप्चर करें, फिर मतलब ऐसे सोचेंगे फिर मतलब अगली बार से सोचिए क्योंकि बहुत तो खाती बार भी ऐसा करती है। पर मैंने इसलिए कुछ नहीं किया ऐसे, पर आ रहे हैं अभी कम कम लोग, अभी और भी आए थे 2-4 इतने आए थे, चाय पानी पिया उन्होंने। तो फिर ऐसा होता है, एक तो ऐसा फंक्शन होगा कि बिल्कुल कट्ठे धाम मिलती है सब खाते आ गए, यहाँ आ जाएगी जब जब मन करता है लोग आते हैं। अगर आसपास के गाँव के भी कोई आते हैं तो फिर सच्चे तो मैदान में मिल जाते हैं, तो वो उनको भी ले आते हैं यहाँ पे। तो अभी ना इस भोजन की तैयारी हो रही है शायद से बड़े। तो जी मैं इसके बाद मंदिर के ग्राउंड में आ गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, मैंने सोचा कितने नहीं होंगे, बट बहुत पूरा मैदान ही भरा हुआ था क्योंकि पूजन स्टार्ट होने वाली थी। और अभी जो है पूजन हमारी स्टार्ट हो गई थी। गेस्ट को फ्री कर दिया 6-7 लोगों को, और फिर अभी मैं मतलब अब बिल्कुल फारिग होगी। बड़े बड़े बर्तन को भी मैंने खाली कर दिया, मतलब छोटे छोटे बर्तन में इधर पीछे छोटे छोटे पतीलू में डाल दिया, और वहाँ पर प्लेट है मेरी सलाद की वो भी, और बड़े वाली से छोटी में शिफ्ट कर दिया जो बच गया था। मैक्सिमम लोग ये अब कि नहीं आएंगे, जो भी आएंगे आई थिंक से कि वो चाय वगैरह पियेंगे, जो कभी आएंगे बाई चांस अभी देवता जी को ले जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा काम था उसको निपटा लेती हूँ, आज भी तो चले गए बच्चे ना ग्राउंड उनके साथ खेलने के लिए, तो मैं भी मतलब अभी थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ जी। तो अब देवता जी की विदाई होने वाली थी, जाने वाले थे वो, जब आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा, बहुत रौनक होती है गाँव में, बट अब जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था जाती बार। और मेरे को भैया मैंने मन में प्रे कर रही थी कि हमारे देवता जी थोड़ा सा डांस कर ले, मैंने उनको देखा नहीं था और फिर ये लग गई थी सच में ही डांस करने, और मैंने सोचा कि उन्होंने मन की बात जान ली।
चीज़ें करते हैं वीडियो का। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।